मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, करोड़ों का नहीं 300-400 करोड़ का खेल हुआ ये। 6400 में 50% से अभव लोग फर्जी हैं, ये जांच के घेरे में है, न्यायालय में भी मैं पहुंचा हूं। लेकिन कुछ गद्दार संगठन के लोगों जो इस फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनकी प्रयास है कि जल्दी से आयोग रिजल्ट दे दे, क्योंकि वो सेटिंग कराने से लेकर रिजल्ट पब्लिश कराने तक उनकी बहुत बड़ी हाथ था। धरना के लिए परमिशन मिलने में लेट हुआ, जो आज हम लोग लेट से कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। कल से 24 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना हमारे गर्दनी बाग स्थल पर हजारों की संख्या में छात्रों द्वारा की जाएगी। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मैं पहुंच गई हूं और यहां पर बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ एक बार फिर से धरना दे रहे हैं। हालांकि ये आयोग के बाहर भी धरना दिए थे, लेकिन इनकी बातें जो है वो मांगी नहीं गई थी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही 2 टेंट गड़े हुए हैं। यहाँ पर एक अलग जो जेई के जो छात्र हैं वो हैं, और ये पॉलिटेक्निक के छात्र ये जो हैं ये हैं। और इनका कहना है कि पहले हमारे जो रिज़ल्ट आए थे, रिज़ल्ट में धांधली हुई थी और उसके वजह से रिज़ल्ट को फिर से वापस ले लिया गया है। और भी कई बातें हैं इनकी जो हम इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। कौन बोलिएगा, चलिए क्या हुआ है बताइए। बैठिए मैडम आप। फैन या तो बंद कर दूँ या मैं खड़ा हो जाता हूँ, बताइए। ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा 2019 में विज्ञापन निकाली गई लगभग 6379 मतलब लगभग 6400 पदों के लिए, जिसमें कनीय अभियंता सिविल, कनीय अभियंता मैकेनिकल और कनीय अभियंता विद्युत के पद थे। सभी में कमोबेश सीट था, सबसे ज़्यादा अधिक सीट आपको सिविल की थी। चयन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, विज्ञापन आया। चयन का जो प्रोसेस था, सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई थी वो मार्क्स बेसिस था, जो शैक्षणिक मार्क्स एकेडमिक मार्क्स आपके प्रमाण पत्रों में हैं उसी मार्क्स के आधार पर आपको चयन होना था। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टूडेंट आवेदन करते हैं। ये प्रक्रिया चलने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होता है। बीच में क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो गया तो जाकर के 21 में फिर कोविड आ गया, 21 में इन्होंने काउंसलिंग कराया, सारे जो एप्लीकेंट्स थे उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात एक अभ्यर्थी के द्वारा कंप्लेन किया जाता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री खरीद करके फॉर्म भरा है और उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। जो आपने काउंसलिंग के लिए कॉल किया था उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किए हैं। आयोग स्वतः उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार को एक चिट्ठी लिखती है कि इस तरह की मामला संज्ञान में आ रही है, क्या इसकी जांच कराई जाए। सरकार इस पर तत्परता से एक्शन लेते हुए 21 सदस्यीय टीम की गठन करती है और इंडिया की सभी राज्यों में जो विभिन्न प्रकार जो भी यूनिवर्सिटी था जो जिस नाम से, उसके लिए एक एक एक्जीक्यूटिव लेवल की पदाधिकारी आईएएस अधिकारी को आईएएस रैंक मतलब सॉरी क्लास वन रैंक के पदाधिकारी को नियुक्त करती है। वो जांच करके आते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उनको एक भी फर्जीवाड़ा नहीं मिलता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में और एक भी फर्जी कैंडिडेट का उनके द्वारा लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अन्य संविदा की बहाली निकाली गई, रिक्रूटमेंट निकाली गई, उसमें लोग कॉन्ट्रैक्ट कानूनों की बहाली था और ये बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बहाली थी। सभी जगह आवेदन किए थे लोग, जिसमें अमीन का और कानून के कानूनों पद के लिए योग्यता डिप्लोमा रखा गया सिविल इंजीनियरिंग से। पंचायती राज विभाग के द्वारा भी विज्ञापन निकाला गया, उसमें भी जो है से योग्यता कनीय अभियंता के लिए और उसमें टेक्निकल असिस्टेंट करके पोस्ट था, उसकी भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। वो दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा जितने आवेदक फॉर्म भरे थे और जो चयनित हो चुके थे, सिलेक्शन हो गया, सैलरी उठा चुके थे, उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो डिफरेंट यूनिवर्सिटियों से रिपोर्ट जब उनको प्राप्त हुआ कि ये लोग फेक सर्टिफिकेट लगा के आपके यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं, उन पर FIR दर्ज करने का दो विभाग ने काम किया, भू राजस्व विभाग का जो निदेशालय LRC है सो और पंचायती राज डिपार्टमेंट। जब उनकी मास संख्या में ये हर रोज, अभी भी कल की एक चिट्ठी आई है उसमें भी कैंडिडेट हैं, हर रोज जो भी वो चिट्ठी जाँच का रिपोर्ट पब्लिश करते हैं 2-4-5 उसमें से हम लोग फाइंड करते हैं। और उन कैंडिडेटों को जब आप देखेंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा और चीज़ को विस्तार करेंगे, 2 अप्रैल को इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जो कि आपने पहले भी न्यूज़ को मेरा कवर किया था। आपने हम लोग 3 या 4 मार्च को घेराव किए थे आयोग को कि फर्जी रिजल्ट है, अब इसको वापस लो, और आयोग ने रिजल्ट को वापस भी उतार दिया। मैं किसी भी व्यक्ति पर संस्थान पर आरोप ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। बिहार सरकार के दो विभाग FIR करती है उन सभी अभ्यर्थियों पर
जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चयन हो गए थे उनसे सैलरी वापस करती है और उन्हीं अभ्यर्थियों को बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा सेलेक्ट करके रिजल्ट देने ज्वाइन कराने की प्रयास किया जा रहा है। और भी हमारे पैरेलल संगठन हैं जो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट को दे दिया जाए, फर्जीवाड़ा को जाँच नहीं हो, फर्जी लोग नहीं पकड़े जाएँ, FIR नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, करोड़ों का नहीं 300-400 करोड़ का खेल हुआ ये। 6400 में 50% से अभव लोग फर्जी हैं, आप इतना जल्द क्यों हैं? जांच नहीं की जा रही है। दूसरा, अब आपकी जांच पर भरोसा मैं कैसे करूं मैडम? प्रश्न ये भी हैं, आपने 21 क्लास 1 ऑफिसर को भेज के जांच कराया था, एक जांच एजेंसी आपने हो गया, आपको तो कोई चोर नहीं मिला। चोर मिला क्या? नहीं मिला। आपने रिजल्ट पब्लिश कर दिया कि भला सब फेयर हैं और सही हैं। जब मैं आपको चोर दिखा रहा हूँ कि सर ये विभाग FIR करती है, या तो वो विभाग गलत है जिसने FIR की है, या आप गलत हो, दो ही हो सकता है ना। वो लिख रहे हैं कि पत्रांक दिनांक कितना के तहत फलाने यूनिवर्सिटी से ये रिपोर्ट प्राप्त है कि आपका डिग्री पेक है और आप उनको ज्वाइन करा रहे हो। प्रश्न बहुत मार्मिक में बोल रहा हूँ, ये जांच के घेरे में है, न्यायालय में भी मैं पहुँचा हूँ, लेकिन कुछ गद्दार संगठन के लोगों जो इस फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनकी प्रयास है कि जल्दी से आयोग रिजल्ट दे दे, क्योंकि वो सेटिंग कराने से लेकर रिजल्ट पब्लिश कराने तक उनकी बहुत बड़ी हाथ था, लोग उसमें सेलेक्टेड हैं। ये बहुत बड़ा कांड चल रहा है। मैं आज प्रथम दिन एक्चुअल हमारी ये थाना से कहें, जिला प्रशासन से धरना के लिए परमिशन मिलने में लेट हुआ, जो आज हम लोग लेट से कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। कल से 24 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना हमारे गर्दनी बाग स्थल पर हजारों की संख्या में छात्रों द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं यहाँ पर कल हजारों में होंगे, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि यही वो जगह है कि जहाँ पर ये लोग छात्र पहले भी यहाँ पर उनकी भीड़ इकट्ठा हुई थी, और उस समय लगातार यहीं पर रो रो कर ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो फर्जीवाड़ा है उसकी जांच की जाए, उसके बाद फिर हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। चलिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।